हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा बारहवीं का विषय इतिहास का, जिसको हम इंग्लिश में हिस्टोरी बोलते हैं, ठीक। तो कक्षा बारहवीं का विषय इतिहास का त्रैमासिक परीक्षा 2023 का संपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ, जो आपके पूरा सोल्यूशन सहित मैं बताऊँगा। आपको वहाँ से बाकायदा बताया जाएगा ताकि आप लोग किसी प्रॉब्लम न हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर जाएँ। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा है वो आपकी सितंबर में होने वाली है या हो रही है सितंबर में, तो उसके लिए प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो चलिए शुरू कर दें। तो आपके सामने कुछ प्रकार से प्रश्न पत्र रहेगा, तो आप लोग देख सकते हो। पहला आपका रोल नंबर रहेगा, तो यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। ये आपका प्रश्न कोड दिया गया है, ठीक। और आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए, माध्यम हिंदी, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कुल प्रश्न आपके 23 रहेंगे, उस समय 3 घंटे का, पूर्ण आपके 80 नंबर का रहेंगे। तो सब पता आप लोग सामने यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, तो निर्देश को पढ़ लेना। फिर रहेगा आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प, तो इन सही विकल्प को भी मैं कराने वाला हूँ, जो आपके 7 नंबर रहेंगे, यानी 7 दिए गए हैं, जिनमें आप लोग सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे। 4 ऑब्जेक्ट में आपको एक सही करना, जिसमें आपको सही नंबर मिलेगा। तो पहला विकल्प वाला लिखा आप लोग सामने, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं। जो भारत के सबसे प्राचीन सिक्के हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं आहत के नाम से। गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला लिखा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जो जैन धर्म है तो उनके प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो वे थे लस्य भाव देव। यानी खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला तीसरा, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। जो रामायण है तो उनके मौलिक रचनाकार कौन थे, तो सभी लोग जानते हैं महर्षि वाल्मीकि। यानी खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा लिखा है, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने थे, तो भाई वाला आंसर है जो पहला दिया है, तो आहत हो जाएगा। यानी गा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां विकल्प लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो सभी लोग को पता है ये सिख धर्म का है, यानी कि खा ऑप्शन आपका सही रहेगा। 6वां, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रसार में किसका विशेष योगदान रहा। जो बंगाल में भक्ति आंदोलन चला था, तो उसमें किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा, तो वो रहा था चैतन्य महाप्रभु का। इसमें खा ऑप्शन आपका सही रहेगा। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। जो भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वो थे बाबर। खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, मैंने आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प 7 नंबर के साथ ही सही करवा दिए हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट को। नेक्स्ट है आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना हमको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो हम रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोग सामने यहाँ पे करके दिखाएंगे। वाकत आपके सामने लिख के दिखाऊंगा स्पेस पे, ताकि आप लोग किसी कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग अच्छी तरह से कर सकें। तो पहला लिखा आप लोग सामने, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बरस हुआ था। तो कौन से बरस हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1486 में। यानी कि का ऑप्शन आपका आंसर रहेगा 1486 ईस्वी, ठीक। क्लासेस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है, एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूँ। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है। तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ लिखना होगा, ठीक है। करके आप सर्च कर देना, फर्स्ट आपको वेबसाइट देखेंगे studynotespdf.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको देखेगा यहाँ पे, देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड, ठीक है। तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना, क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। तो देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी, ठीक है। तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखा कक्षा 9वीं हिंदी, यहाँ पे सेट भी मैं क्लिक कर देता हूं, ठीक है। हिंदी सेट ए, सेट बी, सेट सी सभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रीड कर लेना, जो कि महत्वपूर्ण बात यहाँ दी गई है। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर लगा, ठीक है। तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डाला हुआ, ठीक है। जैसे आप इस बटन पर दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन पर, यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड इसमें मार लेना। खा ऑप्शन रहेगा आपका, आयन अकबरी की रचना मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी। तो इसमें हो जाएगा अकबर के शासनकाल में, अकबर, ठीक। गागमला देखते हैं, गागमला लिखा है अकबर नामा के तीसरे भाग ने जित को नाम से जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा आयन, आयन, ठीक, आयन ए अकबरी, ठीक, अकबरी गावाला ग्रंथ है। घाघड़ी में लिखा है महाभारत का प्रमुख विषय के मध्य हुए युद्ध की कथा है। तो किसकी कथा है, तो कौरवों पांडवों के बीच की कथा, कौरवों और पांडवों, ठीक, ये हो जाएगा। फिर आप लोग सामने इणावाला, महावीर स्वामी की माँ का नाम लिखना है। इणावाले में लिखोगे महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या था, त्रिशला, क्या, त्रिशला। फिर आप लोग सामने लिखा है 4 चम्मच में पाटलिपुत्र को वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, 4 चम्मच का होगा पटना के नाम से, ठीक। हिंदू के देवता भगवान जगन्नाथ का मंदिर
स्थित है, सभी को पता है पुरी में स्थित है, जो उड़ीसा में पाया जाता है, यानी छः चम्मच का अच्छा ज़्यादा का जगह पुरी उड़ीसा में है। ठीक, पुरी कहाँ पर? उड़ीसा में। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने रख देता हूँ, पूरी कम्प्लीट करवा दिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट को, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर देना है, तो एक शब्द एक वाक्य उत्तर रहेंगे, क्योंकि ये भी आपके छः नंबर में है। तो एक वाक्य एक शब्द एक वाक्य उत्तर हम आप लोग सामने इस प्रकार से कराने वाले हैं। चलिए देख ही लेते हैं। तो पहला लगा लो जाना, मोर वंश के संस्थापक कौन थे? जो मोर वंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो बेटे पुरालेखा शास्त्री कौन थे? काकम्मा पुरालेखा शास्त्री। खगा महाभारत किस भाषा का ग्रंथ है? तो खग वो है संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का। गगम लग रहा है, जैन धर्म में कितने तीर्थ कर हुए दादू कबीर ने अनुयायी थे? कितने हैं? तो तीसरे के लोग हैं निर्वाण, निर्वाण। ठीक, घाघड़ी का कबीर, कबीर के गुरु का नाम था घाघड़ी, कबीर गुरु का नाम था संत रामानंद, रामानंद। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? एणावाला। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी पंजाब में, तलवंडी पंजाब। ठीक, चार चम्मच का है, मुगल काल में ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता? तो कहा जाता था मुकद्दम अथवा मंडल, ये कहा जाता। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट को। नेक्स्ट है आप लोग सामने सही जुड़ियाँ, सही जुड़ियाँ आपको करना। तो सही जुड़ियाँ करने से पहले मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, काफ़ी लोगों ने कर लिया है, अगर आप रह गए थे तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यह फायदा रहेगा कि अभी मैं त्रिभाषिक परीक्षा के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा, साथ ही आपकी फिर आदिवासी परीक्षा होगी, इसके बाद आपकी भाषा परीक्षा होगी, तो इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लाऊंगा, इसी प्रकार से आंसर सहित समझाऊंगा, ताकि वो किसी भी कन्फ्यूजन ना हो, आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो चलिए हम लोग करते हैं आप लोग सही जुड़ियाँ। तो सही जुड़ियाँ किस प्रकार से करना वो भी मैं आपको सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पहले सही जुड़ी करते हैं हम लोग। तो पहले में लगा आप लोग जाना सूरसेन, तो सूरसेन हो जाएगा आपका, एक मिनट, जैसा पहला है काकतर का। ठीक, तो सूरसेन वाला अभी हाल में छोड़ देते हैं, तो खा नंबर का कर दे। ठीक, खा नंबर गीता का ज्ञान, तो गीता का ज्ञान किसने दिया था? श्री कृष्ण ने, यानी कि आपका इस प्रकार से मैं मिला देता हूँ, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण। भागवत गीता बेसड़ाव धाव है, इसमें रामानंद तो ब्राह्मण, ओ कबीर तो कबीर का लोग आप लोग ब्रह्म, कबीर का लोग जुलाहा। फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना तो किसने की थी? बाबर ने। सूरसेन का हो जाएगा आपका मथुरा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने सही जुड़ियाँ पूरी कंप्लीट करवा दी हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मददफुल होंगी ये सही जुड़ियाँ। फिर भी आप लोग किसी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन रहती है तो आप लोग बेहतर मुझे कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों को किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर सतसत, तो इन सतसत को भी करूँगा, वो आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ सतसत। तो पहला लिखा आप लोग सामने सतसत, एक मिनट, तो का नंबर का जैसे यहाँ पर लिखे हैं सतसत है, जिसमें लिखा मोर वंश का अंतिम शासक बृहपद, यानी कि क्या है? एक मिनट, मोर वंश का अंतिम शासक बृहपद था, तो ये सत हो जाएगा सत, तो यहाँ पर हो जाएगा सत। ठीक, का नंबर का सत। खा नंबर उपलब्ध महाभारत सत्यसाई संहिता कहलाता है, तो ये भी आपका सत हो जाएगा। गागम लिखा है महात्मा बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो गागम लिखा हो जाएगा क्या? सत्य। ठीक, और घाघरी प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ था, तो ये भी हो जाएगा क्या? गागम लिखा चौहान, तो ये भैया असत रहेगा। ठीक जी, घाघरी वाला असत। फिर एणा लिखा आप लोग, दादू कबीर के अनुयायी थे, जो दादू थे तो कबीर के भी अनुयायी थे, एणा वाला, तो ये हो जाएगा सत। मुगल सम्राट बाबर प्रतिपक्ष संगीत खां का वंशक था, तो ये हो जाएगा असत, यानी कि छनवे चार चम्मच का असत। तो इस प्रकार से आप लोग मैंने आप सत असत कंप्लीट करवा दिए, आप लोग चाहो तो एक बार नहीं हज़ार बार भी देख सकते हो, बिल्कुल फ्री वीडियो है। ठीक, चलिए अगले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर, जिसमें लिखा है चाणक कौन थे, और अथवा में लिखा है महाभारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है, जी सारे के सारे कितने के नंबर? दो दो नंबर में दिए हैं, कितने नंबर में? दो दो नंबर। ओके, तो दो नंबर के क्वेश्चन है, तो इनके आंसर मैं आपको सामने यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ बना लिया है,
जो आपको मैं देने वाला हूँ, पहले आप लोग इनके आंसर देख लीजिए ठीक। तो छठवां पहला, तो छठवां वाला देखते हैं हम लोग कौन सा है। चाणक्य कौन थे शमशक में लिखिए ठीक। तो लिखोगे ए वाला आंसर लिखेंगे चाणक्य। तो चाणक्य गुप्त मौर्य के गुरु और उनके प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ का तत्कालीन मूल प्रकाशन कूटनीति, युद्ध प्रणाली, सामाजिक स्थिति आदि के संबंध में जानकारी देने का वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में का आंसर कंप्लीट हो जाता है ठीक। आप लोग इसको वीडियो के माध्यम से भी लोग का पूरा पढ़ सकते हो ठीक। अगला आप लोग सामने सातवां, महावीर स्वामी के अनुयायी कौन थे जिनको क्यों कहा जाता है। और तो आप इसका आंसर लिखोगे दो अथवा वाला कर सकते हैं, पसंद वाला कोई दो में से एक करना जिसमें आपको अच्छा से लगे, जो ना आपको बनता है। तो हम लोग ये बेही वाला करेंगे। जैन शब्द यानी जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है जिसका आधार है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जैन कहलाए। इस प्रकार जैन उन लोगों को कहा जाता है जो जैन अर्थात जितेंद्रिय के अनुयायी हैं और जिस धर्म का ये अनुसरण करते हैं उसे हम जैन का धर्म के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें लिखा है अरे मुगल कालीन कृषि इतिहास के प्रमुख स्रोत को संक्षेप बढ़ा कीजिए, जनपद शब्द के अभिराम नष्ट कीजिए। तो हम लोग जनपद वाला अथवा वाला करेंगे जिसका आंसर लिखेंगे जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ जन लोग को लिया जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा कंप्लीट हो जाता है। नौवां है भारत का क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो लोगे अथवा लिखा है नौ है महाभारत का क्या इतिहास। तो लिखोगे महाभारत ग्रंथ से तत्कालीन समय की राजनीतिक सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विकास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग तथा कौन कौन से हैं। तो लिखोगे हिंदू परंपरा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 अशोक ने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति किस समय उद्देश्य से की थी। तो 11वां का आंसर लिखोगे इस प्रकार से मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी। धर्म महामंत्रों का प्रमुख कार्य जनता में धर्म के सिद्धांतों का प्रचार कर लोगों को चरितमान बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाए 11वां का आंसर कंप्लीट हो जाता है ठीक। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12 जातक ग्रंथों का नाम से आप क्या समझते हैं यानी जातक ग्रंथ के सब क्या समझते हैं। तो लोग हुए जातक ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए एक बौद्ध ग्रंथ है। जातक ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के पूर्व जनों की कथाओं का उल्लेख है। इनकी संख्या लगभग 549 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। ये सारे कितने दो दो नंबर में इसलिए छोटे रहेंगे और जो तीन तीन नंबर रहेंगे वो थोड़ा बड़े रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई कृत्रिम साधन क्या कहते अथवा में सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में था। तो हम 13 वाला लेंगे। लिखोगे मुगल काल में कुओं तालाबों नहरों जैसे सिंचाई कृत्रिम साधनों से पानी खेतों को पहुंचाया जाता था। कुओं से सिंचाई के लिए पानी काली चमड़े की बाल्टी और राहत आदि के माध्यम से निकाला खेतों पहुंचाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। वीडियो के माध्यम से आप लोग इसको रोक कर पूरा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्रतिवंशकता से आप क्या समझते हैं। अथवा लगा महात्मा बुद्ध की दो विशेषता है इस शिक्षाओं के बारे में लिखी। तो हम प्रतिवंशकता कहेंगे तो यह वह वंश परंपरा जो पिता के बाद पुत्र फिर पोत्र के बाद प्रपोत आदि चलती है प्रतिवंशकता कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हम लोग एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है भक्ति आंदोलन के 4 संतों के नाम लिखिए ठीक। तो लिखेंगे हम लोग संत कबीर चेतन महाप्रभु गुरु नानक मीराबाई। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर संत कबीर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मौर्य समाज की स्थापना की थी ठीक अथवा महाभारत के प्रमुख विषय पर प्रकाश डाली। तो आप लोग दो में से किसी एक को कर सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे ए वाला करेंगे कौन सा 16। तो लोगे चौथी शताब्दी ईस्वी पुरात के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्यों इस शताब्दी में भारत में सर्वप्रथम राजनीतिक एकता प्रदान करने वाले मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी जिसकी गणना भारत के महान तक शासकों ने की जाती है। सिकंदर की बहाद से लौट जाने और उसकी अकाल मृत्यु के कारण पंजाब में जो आर्द्रता फैली उसका चंद्रगुप्त मौर्य ने लाभ उठाया और यूनानियों के विरुद्ध उठने वाले विरुद्धों का नेतृत्व किया। उसने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से कुछ भारतीय सैनिकों को एकत्र किया और 322 को लाभ
इन्होंने पंजाब को खरीदकर वह स्वयं पंजाब का शासक बन गया। इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को रोके माध्यम से पूरा रोकेंगे, वीडियो पूरा था इस प्रकार से कर लेंगे और भी इसके आगे भी है, यहाँ तक हो जाएगा इसका आंसर ठीक, क्योंकि ये तीन नंबर में है तो बड़ा ही लिखना है ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 17 जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में चार अंतर लिखना है। तो ये आपके सामने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला अंतर ये हो जाएगा जिसको आप वीडियो को रोकेंगे फिर इसको पढ़ लेंगे सीख लेंगे, दूसरा अंतर ये रहेगा, तीसरा अंतर ये रहेगा, चौथा ये रहेगा। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 अंतर मैंने कम्प्लीट करवा दिए जो तीन नंबर रहेंगे ठीक। अगला आप लोग सामने 18 प्रश्न जाति पंचायत के विषय में आप क्या समझते हैं, इसके कारण लोग लिखिए। तो ये रहेगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, प्रत्येक गाँव में ग्राम पंचायत के अतिरिक्त प्रत्येक जाति के आदमी भी अपनी पंचायत में होती हैं। तो जिस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से वीडियो को रोकें पूरा कम्प्लीट कर लेंगे ठीक। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग पूरा वीडियो को रोकें माध्यम से पूरा कर लेंगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं ऐसा कर करके दिखाऊंगा तो आप लोग वीडियो भी लंबा रहेगा और आप लोग को बोरिंग भी लगेगी ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैं इस पीडीएफ को पूरा आप लोग को देने वाला हूँ, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड किस प्रकार से करना है वो भी बताऊँगा, पहले आप लोग इसके क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट है, इन सभी के आंसर मैं इस पीडीएफ के माध्यम से देने वाला हूँ। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।